हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। टीवी और फिल्म के निर्माता एकता कपूर ने अपने चर्चित टीवी शो नागिन के 5वें सीजन के लिए नाग पंचमी के इस पवित्र मौके पर नाग की तलाश पूरी कर ली है। जी हां, टीवी धारावाहिकों ससुराल सिमर का और कुंडली भाग्य में अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके अभिनेता धीरज एकता के इस शो में इच्छाधारी नाग की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि धीरज ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि वो इस शो का हिस्सा बनेंगे और उनके लिए ये एकदम नया अनुभव होगा। इस शो का हिस्सा बनकर अपना उत्साह जाहिर करते हुए धीरज ने कहा, ये शो एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए इस शो का ऑफर मिलते ही मैंने हाँ कहने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। मैं इस शो में नागिन का किरदार निभाने वाली सभी खूबसूरत एक्ट्रेसेस का प्रशंसक हूँ और इसमें जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है इस शो में होने वाला डांस। धीरज ने इस पर आगे कहा, अगर मुझे भी वो डांस करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरे लिए मेरा सपना पूरे होने जैसा होगा। मेरी पत्नी विन्नी अरोड़ा भी मुझे इस रूप में देखने के लिए बेहद ही एक्साइटेड है। धीरज आगे बताते हैं कि ये किरदार उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा, इससे पहले मैंने हमेशा एक सामान्य इंसानी किरदार ही निभाए हैं, यहाँ मुझे अलौकिक शक्तियों से प्रेरित किरदार निभाना होगा। उन्होंने कहा, इस शो में स्पेशल इफेक्ट्स और VFX का बहुत काम होता है, इसलिए एक्टिंग भी मुझे कुछ चीज़ों के साथ करनी होगी। मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा इस शो का और कौन हिस्सा होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे मेरे किरदार में कितनी चुनौतियों का सामना करना होगा। ये सब अभी निर्माताओं के हाथ में है, मैं तो बस शूटिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ही एकता कपूर ने 4th सीजन को खत्म करने के बाद अपने एक शो में 5वें सीजन की घोषणा कर दी थी। अगर देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक इस शो का 4th सीजन खत्म भी हो चुका होता। खबरों की माने तो अब इस शो में बचे हुए एपिसोड्स अगस्त के महीने में निपट जाएंगे, फिर जल्द ही 5वें सीजन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।